नमस्कार दोस्तों, किस्से कलाकारों के यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का मैं अभिजीत भट्ट तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंचमदा यानी कि हमारे म्यूजिक माएस्ट्रो आरडी बर्मन साहब फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जो हमेशा अपने समय से आगे की सोच रखते थे। उनका म्यूजिक और रिकॉर्डिंग का लेवल भी अपने समकालीन संगीतकारों से काफ़ी एडवांस था। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बैकग्राउंड म्यूजिक की कि जिसे सुनकर सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों में एक्साइटमेंट आ जाता था। वो फिल्म थी अमिताभ, हेमा मालिनी, अमजद खान अभिनीत सत्ते पे सत्ता, जिसमें और भी बहुत सारे साथी कलाकार थे। निर्देशक थे इस फिल्म के राज एन सिप्पी, जिन्होंने हॉलीवुड मूवी सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से इंस्पायर होके हिंदी में 1982 में ये फिल्म बनाई थी। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे तो वीडियो छोटी सी होगी पर इंटरेस्टिंग होगी, और इस बैकग्राउंड म्यूजिक से जुड़े कलाकारों का इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे, तो इसे एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिल्म म्यूजिक से जुड़े ऐसे ही रोचक कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन साहब को म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट करने में महारत हासिल थी, और वो बोतल, कंगी, बर्तन या किसी भी चीज से साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। जब निर्देशक राज एन सिप्पी ने पंचमदा को इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई और बताया कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल है, जिसमें बाबू नामक कैरेक्टर जो है उसका किरदार फिल्म में नेगेटिव या ग्रे शेड कैरेक्टर है, तो उसकी एंट्री को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्हें ऐसा बैकग्राउंड चाहिए जो सुनने में डरावना और हॉन्टेड साउंड करे। तो पंचमदा ने अपना दिमाग लगा के सोचा और स्टूडियो में बैठी सिंगर एनेट पिंटो, जिसने इसी फिल्म में किशोरदा के साथ इस गाने में एक पार्ट गाया है, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, इस गाने में ये पार्ट एनेट पिंटो ने गाया था। तो पानी से भरा गिलास पंचमदा ने एनेट के हाथ में दिया और कहा कि इस पानी को मुंह में रखो और गार्गल करो। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस बात को इस दुर्लभ इंटरव्यू में। यू वुड थिंक ऑफ गार्गलिंग एंड सैंपलिंग एंड यूजिंग इट एज अ म्यूजिकल थिंग। एनेट के गले में बोला पानी पियो, पानी पानी पियो, रखो पूरा मत पियो, थोड़ा रख के उसको थोड़ा सा गाओ। This is what I want in a tune, and it became a grand thing throughout the movie. तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किस्से कलाकारों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।